नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग मास्टर में आपका हार्दिक स्वागत है। जहां आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि आपका रहने वाला है मैथमेटिक्स क्विज का। जहां कि आज हम मैथमेटिक्स का क्विज लेके आए हैं। वर्क एंड टाइम का ये क्वेश्चंस है, जहां पे समय एवं कार्य के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो ये टॉप क्वेश्चंस एंड आंसर्स रहने वाले हैं, सभी परीक्षाओं में उपयोगी हैं ये। साथ ही SSC CGL CHSL MTS GD RPF NTPC UP पुलिस रेलवे एंड BEd एंड DLed इंट्रेंस एग्जाम के लिए भी ये प्रश्न रहने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर, जो कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। ये रहा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, जहाँ की है प्रश्न संख्या पहला। ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर सकेंगे? तो ए है, एक बी है और एक सी है। ये तीनों मिल जाता है तो कार्य मात्र 12 घंटे में समाप्त। ये तीनों अलग अलग कार्य कर रहा है, एक 6 घंटे कार्य कर रहा है, एक अगर 4 घंटे कार्य कर रहा है, एक अगर 12 घंटे कार्य कर रहा है, तो वो कार्य कितने घंटे में समाप्त होगा वो हमें निकालना है। तो सिंपली हम इसका LCM तरीके से निकाल लेते हैं। LCM निकालेंगे तो 12 आएगा, 12 निकालने के बाद 6 दूने का 12 हो जा रहा है, 4 तिरे के 12 हो रहा है और 12 एकम 12 हो रहा है, यानी कि एक जो है वो 1 घंटा 2 घंटा कार्य पर 2 घंटे कार्य कर रहा है, 4 जो है वो 3 घंटा, 12 जो है वो ए 2 घंटे के हिसाब से कार्य कर रहा है, बी 3 घंटे के हिसाब से, और सी जो है वो आपका 1 घंटे के हिसाब से कार्य कर रहा। तो अगर तीनों मिलकर कार्य कर रहा है तो 2 प्लस में आपका 3 और प्लस में 1 अगर मिला देंगे तो यहाँ पे 6 आ रहा है, यानी कि ये तीनों जब कार्य कर रहा है तो ये 6 घंटे में आधा कार्य कर दे रहा है। अगर अलग अलग कार्य कर रहा तो ये अलग टाइमिंग में इसका कार्य हो रहा है, लेकिन अगर ये तीनों मिलकर कार्य कर रहा तो 6 घंटे में 50% कार्य हो रहा है, यानी कि 12, तो ये पूरा का पूरा ये 12 घंटे वाला कार्य कितने में हो जाएगा? डिवाइड बाय 6 करेंगे तो 2 से हो जाएगा, तो 2 आपका यहाँ पे सही है, 2 आवर में ये पूरा का पूरा काम हो जाएगा, ये केवल और केवल 2 घंटे में ये पूरा का पूरा काम हो जाएगा। तो ऐसे ही हम इसे शॉर्ट ट्रिक से बना सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला ऐसे है कि डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे और वहाँ से इसका आंसर ले आएंगे। ए बी सी मिलकर 6 6 4 12 घंटे में काम कर रहा, तो 6 है 4 है और 12 है, तीनों का LCM लिए 12 आ गया। 12 को हम यहाँ पे देखें कि 6 किस हिसाब से कार्य कर रहा है, तो ये जो है वो अगर 12 है तो वो 2 घंटे के हिसाब से कार्य कर रहा है, बी 3 घंटे के हिसाब से कर रहा है और 6 ए सी जो है वो 1 घंटे के हिसाब से कार्य कर रहा, तीनों मिलकर अगर कार्य कर रहा तो वो कार्य मात्र जो है वो 6 घंटे में कार्य खत्म हो रहा है, तीनों मिलकर अगर कार्य कर रहा तो वो आधा कार्य 6 घंटे में हो रहा है, तो पूरा का पूरा कार्य वो 2 घंटे में पूरा काम कर रहा है। तो 2 आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है। अब इस प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है कि प्रश्न कह रहा है ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी 10 दिन में, और ए बी और सी मिलकर इसे 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी अकेला इसे कितने दिनों में पूरा करना है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर डायरेक्टली हम दे सकते हैं कि जैसे कि 12 दिन में ये कर रहा है, अगर तीनों सीधे हम यहाँ पे लिख के क्वेश्चन को करते हैं। ए जो है वो किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर रहा है, बी जो है ये इसे 10 दिन में समाप्त कर रहा है, और ये ए बी और सी अगर मिल जा रहा है तो ये केवल और केवल 5 दिन में ये कार्य समाप्त हो रहा है। तो क्या है कि यहाँ पे हम LCM ले लेते हैं कि ये तीनों जो है अगर मिल जा रहा है, ये तीनों 10, 12, 12, 10 और 5 का LCM 60 हो रहा है। तो अगर मान के चलिए कि 12 जो है ए जो है वो 12 दिन में कर रहा है, तो 1 दिन में वो कितना कार्य कर रहा है? 1 दिन में 5 कार्य कर रहा है। बी जो है वो 10 दिन में कार्य को ख़त्म कर रहा है, तो 1 दिन में 6 कार्य कर रहा है। अगर यहाँ पे ऐसा देखें कि ए बी और सी मिलकर अगर 60 दिन में ये कार्य ख़त्म कर रहा है, तो ये 12 दिन में ये 12 कार्य अगर कर रहा है तो ये 60 दिन में हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ए है और बी का कार्य जो है यहाँ पे अगर हम देख लें और माइनस में कर दें हम यहाँ पे ए बी और सी का कार्य और इसमें माइनस कर दें ए बी का कार्य, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए बी और सी का कार्य है यहाँ पे 5 दिन में ये ख़त्म कर रहा है, तो ये तीनों मिलकर कार्य 12 दिन में
मतलब ये 12 घंटे पर कार्य, एक दिन में ये 12 घंटा कार्य करा, ऐसा हम इसे मान के चल सकते हैं। तो हम अगर 12 में से अगर हम यहाँ पे ए और बी का कार्य घटा दें तो 6 और 5 11 हो रहा है। तो 6 और 5 अगर यहाँ पे हम घटा देते हैं, 6 और 5 अगर हम यहाँ पे घटा देते हैं, तो यहाँ पे हम एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे 12 में से अगर हम 11 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि सी जो है वो पर दिन 1 घंटे कार्य कर रहा है। तो पूरा कार्य उसे करने में 60 घंटे लगा, या 60 दिन, 7 दिन भी कह सकते हैं या 60 घंटे भी कह सकते हैं। तो ए बी का कार्य घटा दिए हम यहाँ पे 5 और 6, यहाँ पे कार्य जब मैंने घटाया तो यहाँ पे एकमात्र कार्य बचा, वो क्या बचा कि यहाँ पे 12 में से 11 कार्य अगर घटा दिए तो यहाँ पे एक कार्य बच गया, एक दिन का हिसाब से यहाँ पे कार्य बचा, यहाँ पे एक दिन का हिसाब से यहाँ पे कार्य बचा। अब वो एक दिन का कार्य जो बचा तो वो क्या हो गया, यहाँ पे 1 × 60 करेंगे तो 60 आ जाएगा, यानी कि 60 दिन में ये पूरा का पूरा कार्य ख़त्म करेगा ऐसे ही अकेला। ये 60 आपका यहाँ पे सही होगा, मैं दोबारा से बताता हूँ। यहाँ पर देखिए कि ए जो है वो कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है ए, और बी उस कार्य को मात्र 10 दिन में अकेले समाप्त कर सकता है। लेकिन वहीं अगर ए और बी और सी की बात की जाए तो वह 12 दिन में, सॉरी वो 5 दिन में वो इस कार्य को समाप्त कर सकता है। ए बी और सी 5 दिन में कार्य समाप्त कर सकता है। इसका एलसीएम निकाल लेते हैं तो यहाँ पे हमारा 60 आ रहा है, ठीक है। जब इसका एलसीएम हमारे पास यहाँ पे 60 आ रहा है तो इसमें क्या है कि 12 दिन में वो कार्य ख़त्म कर रहा है, यानी कि पर डे जो है वो, ये 60 घंटे का कार्य है अगर मान के चलते हैं तो पर डे जो है वो 5 घंटे का कार्य कर रहा होगा, तभी तो वो 12 दिन में ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अब ये 60 घंटे का काम है, ऐसा हम इसे समझ सकते हैं। बी जो है 10 दिन में ख़त्म कर रहा है, यानी कि उसका एक ही मोटिव है कि वो 6 घंटे पर डे कार्य कर रहा है, इसलिए उसका 10 दिन में ख़त्म हो रहा है। लेकिन वहीं अगर ए बी सी तीनों मिलकर कार्य कर रहा है तो पर डे जो है 12 घंटे तीनों मिलकर कार्य कर रहा है, तब जाके उस कार्य का ख़त्म मात्र 5 दिन में हो रहा है। तो ए बी सी माइनस ए बी अगर कर दें हम यहाँ पे, तो ए बी हमारा दिया हुआ है, ए बी सी यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमें निकालना है सी का कार्य, ठीक है। अगर सी का कार्य मुझे निकालना है तो ए बी का कार्य जो है वो दोनों जोड़ देते हैं यहाँ पे, ए बी का कार्य जोड़ के हम सी से अगर माइनस कर देंगे तो हम ए बी सी से माइनस करेंगे तो हमारा सी का कार्य निकल के आ जाएगा। ए बी दोनों मिलके अगर एक दिन में 5 घंटा और 6 घंटा 11 घंटा काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन ए बी सी तीनों मिलकर 12 घंटा कार्य कर रहा है, वो कैसे, तो 1 घंटा जो है वो एक्स्ट्रा पर डे सी कार्य कर रहा है, 1 घंटा जो है पर डे सी कार्य कर रहा है। तो सी जो है हमारा केवल और केवल 1 घंटा कार्य कर रहा है, 1 घंटा कौन कार्य कर रहा है, वो सी जो है हमारा 1 घंटा पर डे कार्य कर रहा है। तो उसे 60 घंटे अगर कार्य करने हैं तो 60 घंटे कार्य करने के लिए अगर पर डे वो 1 घंटे ही कार्य कर रहा है तो 60 दिनों में उस कार्य को वो पूरा करेगा, क्योंकि सी अकेला पर डे 1 घंटा कार्य कर रहा है, इसलिए उसे ये 60 घंटा कार्य ख़त्म करने के लिए उसे 60 घंटे का समय लग जाएगा। तो ये 60 घंटा हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है कि 60 दिन में वो कार्य पूरा होगा। अगर सी पर डे 1 घंटा कार्य कर रहा है तो उसे 60 घंटे का कार्य 60 दिन में पूरा करना पड़ेगा, उसका कार्य जो है 60 घंटे का कार्य 60 दिन में पूरा होगा, क्योंकि वो पर डे 1 घंटा कार्य कर रहा है। आई होप इसे आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न को देखते हैं कि ए किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिनों में समाप्त कर सकता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ए जो है वो किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी जो है इसे 15 दिनों में समाप्त कर सकता है, अगर दोनों मिल जाए तो वो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो 30 आ जाएगा, इसका एलसीएम 30 आ जाएगा, इसका एलसीएम हमारा यहाँ पे 30 आ रहा है, ठीक है। जब इसका एलसीएम हमारे पास 30 आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो पर डे इसका कार्य कितना है, पर डे वो 3 घंटा कार्य कर रहा है, इसलिए उसका काम 30 दिन में ख़त्म हो रहा है ए का। लेकिन वही बी की बात करें तो बी पर डे 2 घंटा कार्य कर रहा है, और इसीलिए उसका कार्य 15 दिन में ख़त्म हो रहा है। तो दोनों मिल जाए तो कितने दिन में ख़त्म होगा, तो 3 और 5 को, 3 और 2 को प्लस कर देंगे तो हमारे यहाँ पे 3 2 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे 30 / 5 अगर कर देंगे तो यहाँ पे हमारा 6 आ जाएगा। तो 6 हमारा बिल्कुल सही है कि 6 दिन में ये पूरा का पूरा कार्य ख़त्म हो जाएगा। अभी से एक बार दोबारा से मैं इसे समझा देता हूँ, 6 घंटे में कैसे होगा, समझिए दोबारा इसे, समझिए इसे। ए जो है वो पर डे 10 दिन, वो पर ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर रहा है, बी जबकि उसे 15 दिन में समाप्त कर रहा होगा,
तो इसमें एक कॉमन बात है कि दोनों का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 30 आ रहा होगा। 30 जब एलसीएम आ रहा तो नॉर्मल सी बात है कि ए जो है वो पर डे 3 घंटे का कार्य कर रहा है, इसलिए उसे 15 दिन में ख़त्म हो रहा है। बी जो है वो पर डे जो है वो 2 घंटे का कार्य कर रहा है, इस कारण उसका कार्य 30 दिन में समाप्त हो रहा है। वहीं अगर 2 घंटे और 3 घंटे को अगर हम ऐड कर देंगे तो वो 5 घंटे का कार्य हो जाएगा। एक दिन में ए बी मिला के 5 घंटा कार्य कर रहा है और कार्य टोटल कितना है, 30 घंटे का कार्य है। तो अगर 30 घंटे का कार्य है तो क्या हो जाएगा, एक दिन में वो जो है ये 5 घंटा कार्य कर रहा है, तो 30 घंटा का कार्य करने के लिए उसे 6 दिन का समय लगेगा। एक दिन में अगर 5 घंटा कार्य कर रहा है तो 30 घंटा का कार्य करने के लिए उसे 6 दिन का समय लगेगा। और ये रहा अगला प्रश्न कि एक्स किसी कार्य को 10 दिन में, वाई 15 दिन में तथा जेड 20 दिन में पूरा कर सकता है। एक्स और वाई ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, तत्पश्चात एक्स के स्थान पर वाई को कार्य पर लगा दिया गया, कुल कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा हमारे दोस्त फंसते हैं। तो देखिए, एक्स जो है वो किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, वाई जो है उसे 15 दिन में, और जेड जो है वो उसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो कार्य टोटल कितना है, कितने घंटे का कार्य है, तो कार्य हमारा यहाँ पे 60 घंटे का यहाँ पे कार्य है हमारा। और ए अगर एक्स अगर पर डे 10 अगर पर डे वो 6 घंटे कार्य करेगा तब उसका जाके 10 दिन में कार्य समाप्त होगा। उसी तरह से अगर वाई अगर पर डे 4 घंटे कार्य करेगा तब उसका कार्य जो है वो 15 दिन में समाप्त होगा। वहीं अगर जेड की बात करें तो वो पर डे अगर 3 घंटा कार्य करेगा तभी उसका कार्य जो है वो 20 दिन में समाप्त होगा। अगर तीनों मिल के कार्य करते हैं तो 6, 4, 10, 3, 13 घंटा पर डे कार्य करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक कार्य तो निकल गया कि हमारा यहाँ पे 60 घंटे का कार्य है। 60 घंटे का अगर कार्य है तो एक्स और वाई ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, तो एक्स और वाई का कार्य है 6 और 4 घंटे का, तो 10 घंटे का कार्य दोनों ने मिलकर 20 घंटे कार्य कर दिया। अब बचा हमारे पास यहाँ पे 40 घंटे का कार्य, तो 40 घंटे का कार्य कौन करेगा, एक्स के स्थान पर वाई को लगा दिया गया, एक्स हटा दिया गया और वाई को लगा दिया गया। ठीक है, और एक्स और वाई ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, तत्पश्चात एक्स के स्थान पर वाई को कार्य पर लगा दिया गया, कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो वाई को अगर कार्य पर लगा दिया गया है तो यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है, क्या है कि एक्स और जेड ने मिलकर 2 दिन कार्य किया था, ना कि वाई। तो एक्स और जेड अगर मिलकर 2 दिन काम करेगा तो जेड का कार्य है 3 घंटे का और एक्स का कार्य है 6 घंटे का, तो 9 घंटे का कार्य है, तो 18 इसमें माइनस कर देंगे हम। ठीक है, 18 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 48, और 48 जब बच गया तो हमारे पास यहाँ क्या है कि एक्स के स्थान पर वाई को लगा दिया, यानी कि 4 घंटा वाई कार्य करता है पर डे, तो वाई को लगा दिया गया, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो वाई का कार्य है 4 घंटे का कार्य है। तो देखिए, जब हमने यहाँ पे 18 माइनस किया तो हमारा यहाँ पे 42 घंटे का कार्य और बाकी है अभी। एक्स और जेड 4 घंटे का और जेड का कार्य है प्लस में 3 घंटे का, तो 7 घंटा पर डे अगर कार्य करेगा तो 42 घंटे का कार्य करने में 7×42 6 दिन का समय यहाँ पे इसको लग जाने वाला है। तो ये 6 दिन का समय हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ना कि ये तीनों के तीनों। एक बार इसे मैं दोबारा इसे रिपीट कर देता हूँ, एक्स का कार्य जो है वो यहाँ पे एक्स जो है वो कार्य को 10 दिन में ख़त्म करता है, वाई 15 दिन में ख़त्म कर दे रहा है, वहीं जेड की बात की जाए तो जेड 20 दिन में ख़त्म कर दे रहा है। ठीक है, तो अगर तीनों का हमने यहाँ पे एलसीएम निकाल लिया तो एलसीएम निकालने पे हमारा यहाँ पे 60 आ जा रहा है। तो अगर डी एक्स जो है वो पर डे अगर आपका 6 घंटे का कार्य करेगा तब उसका जाके 60 दिन में ख़त्म होगा। वहीं अगर वाई जो है 10×60, ठीक है, 6 दिन 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा। वाई अगर यहाँ पर डे 4 घंटा कार्य करेगा तब जाके उसका कार्य जो है वो 15 दिन में समाप्त हो जाएगा। वहीं अगर जेड की बात करें तो वो पर डे अगर 3 घंटे कार्य करेगा तब उसका कार्य जाके 20 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो अगर एक बात यहाँ पे कॉमन है कि एक्स और जेड ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, तो एक्स का कार्य है 6 घंटे पर डे और जेड का कार्य है 3 घंटे, तो 7, 6, 3, 9 हो गया। तो 2 दिन कार्य किया था तो 9 दोने का 18 दिन कार्य किया, तो 18 हम यहाँ से
माइनस कर देते हैं, 18 घंटा यहाँ पे हम माइनस करते हैं, तो यहाँ पे 42 घंटे का कार्य बाकी है। और 42 घंटे का कार्य अब करना है एक्स, और एक्स के स्थान पे वाई को लगा दिया गया, तो वाई और जेड मिलकर अगर 42 घंटे का कार्य करेगा तो वाई का कार्य होता है पर डे 4 घंटे, जेड का होता है 3 घंटे, तो 4 और 3 7 घंटा कार्य पर डे अगर करता है तो उसे 42 घंटे का कार्य करने में 6 दिन का समय लगेगा, तो 6 दिन हमारा यहाँ पे सही है। आज का आखिरी प्रश्न कि ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। ए जो है ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, वहीं बी की कार्य क्षमता जो है ए से डेढ़ गुनी है, ठीक है। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, ए से डेढ़ गुनी इसकी क्षमता है बी की। तो मान के चलिए कि ए जो है अगर पर डे 1 घंटा कार्य करता है तो बी जो है वो पर डे 1.5 घंटा कार्य करेगा। अगर ए 6 दिन में किसी कार्य को कर सक अगर ए जो है वो किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है तो बी उसे केवल 4 दिन में कर देगा। ए किसी कार्य को अगर 9 दिन में कर सकता है तो बी उसे केवल 6 दिन में कर देगा, यानी कि 1.5 गुनी उसकी रफ्तार है। तो इसे हम एक तरीके से और बना सकते हैं, ऐसे हम डायरेक्टली भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1.5 / 9 अगर करेंगे तो हमारा ये 6 में ख़त्म हो जाएगा 9, तो ये हमारा 6 दिन हमारा ये कार्य ख़त्म कर सकता है बी। बी अकेला उस कार्य को 6 दिन में ख़त्म कर सकता है जिस कार्य को ए अकेला 9 दिन में ख़त्म कर सकता है, उस कार्य को बी अकेला 6 दिन में ख़त्म कर सकता है क्योंकि बी की कार्य क्षमता ए से 1.5 गुनी है, इसलिए ये 6 दिन में ही इस कार्य को ख़त्म कर सकता है। इसकी कैपेसिटी इतनी है कि वो किसी कार्य को केवल और केवल 6 दिनों में ही ख़त्म कर सकता है। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पे गलत है। आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, किसी भी क्वेश्चन को करने में आप लोगों को कहीं भी समस्या नहीं हुई होगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। थैंक यू।